विधानसभा बजट के 90 दिन बहुमंजिला इमारतों में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया गया। बता दें आपको कि कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। इसी मुद्दे को लेकर नीरज शर्मा ने खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि चंदेल से। क्या कुछ कहा नीरज शर्मा ने आपको सुनाते हैं। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के 9वें दिन आज कॉलिंग अटेंशन मोशन में कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा द्वारा एनसीआर के क्षेत्र गुरुग्राम, रेवाड़ी और फरीदाबाद में बहुमंजिला इमारतों में घटिया सामग्री के इस्तेमाल को लेकर कॉलिंग अटेंशन मोशन लाया गया। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं नीरज शर्मा। सर, किस तरीके से देखते हैं जो जवाब दिए गए सत्ता पक्ष की ओर से, कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। बिल्डरों को बचाने की कोशिश की जा रही है। कोई 304A में FIR दर्ज नहीं हुई। जो जांच कमेटी थी, जांच कमेटी के अफसर सरेआम रिश्वत लेते पकड़े गए, मंत्री जी को पता नहीं है। पहली बात तो ये महकमा मुख्यमंत्री जी से संबंधित था और ये जवाब मंत्री जी दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात, करप्शन इतना हैवी हो गया है। हमने बहुमंजिला इमारतों को लेकर बात करी थी। देखो, घटना होने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक्सीडेंट होता है, होगा, परंतु उस घटना के बाद सरकार का काम होता है एक्शन ऐसा ले कि उस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, कि कच्चे लालच में बिल्डर लॉबी ऐसा काम ना करें। अभी तक आप कोई मैसेज ही नहीं दे पाए हैं। बिल्डरों को आपने लूट खसोट की पूरी छूट दे रखी है। हमने कहा, एक तो जी रेट नहीं बढ़े 7 साल में, निर्माण सामग्री के रेट बढ़ रहे हैं। या तो आप उनको राशन रेट पे सामान दो और अपनी देख रेख में लगवाओ कि भाई आप लोहा सरिया बराबर लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे, सीमेंट बराबर लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे। दूसरा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी होने के बाद क्या मैकेनिज्म है सरकार का कि बिल्डरों पे चेक बैलेंस कर सके? वो मैकेनिज्म ही नहीं है हम सरकार के पास। तीसरा, आप लाइसेंस दे देते हैं जी, आप 20 मंजिल बिल्डिंग बना लो। आज भाई साहब गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला कोई हादसा हो जाए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, सरकार के पास मौजूदा समय में लिफ्ट नहीं है कि जो उतनी ऊंची तक हाई राइज बिल्डिंग तक पहुंच जाए। फिर मेरे यहाँ खोरी गांव के अंदर कई लोगों को विस्थापित उजाड़ दिया गया, गरीब लोगों को, उनको डबुआ कॉलोनी बसाना है। मैंने प्रश्न लगाया है कि भाई उसका ऑक्यूपेशन और कंप्लीशन सर्टिफिकेट दो मुझे। हाउस के अंदर प्रश्न लगाया, सर्टिफिकेट नहीं दिया, बात करी तो पता नहीं लगा। तो भाई पता नहीं क्यों सरकार इस तरीके से इस लॉबी के चंगुल में आ रही है। और मैं तो कहता हूँ सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए, जिससे दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। और ऐसा एक सख्त संदेश जाना चाहिए कि भाई नहीं, कम कमा लो पर लोगों के साथ धोखाधड़ी मत करो, नुकसान ना करो। जिस तरीके से अगर हम बात करें इसके ऊपर जो जवाब दिया गया था, जिला स्तर पर जितनी भी शिकायतें आई उनके निपटारे के लिए बाकायदा एक कमेटी का गठित किया गया था और वो कार्रवाई जो है उसकी जारी है, किस तरीके से देखते हैं? भाई साहब मेरी बात सुनो, जिला स्तर पे आपको लगता है कोई अधिकारी इतना सक्षम है बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई कर लेगा? आपको भी पता, हमको भी पता है बिल्डर कहाँ से लाइसेंस लेके आ रहे हैं, किस किस की सिफारिश से लाइसेंस लेके आ रहे हैं और किस तरीके से लेके आ रहे हैं। कौन करेगा जिनके ऊपर कार्रवाई जिले के अंदर? मैकेनिज्म तो सरकार को बनाना पड़ेगा कि ऐसे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ ना हो और दोबारा ऐसा हादसा हरियाणा में ना हो। प्रश्नकाल के बाद और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव शुरू होने से ठीक पहले एक किसानों को मुआवजे को लेकर जो है वो चर्चा हुई थी, बाकायदा आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी रहा उस वक्त, किस तरीके से देखते हैं? सरकार अपने स्तर पर एक स्पेशल गिरदावरी करने की भी बात कह रही है। देखो, सरकार ने कहा है और दुष्यंत चौटाला जी ने कहा है कि भाई हम प्रिमिलरी गिरदावरी और स्पेशल गिरदावरी दोनों करा देंगे और दोनों करा के जो रिपोर्ट आएगी समक्ष, और उन्होंने सब विधायकों की जिम्मेदारी लगाई है। मैं भी कल 22 तारीख है, 23 तारीख को अपने यहाँ के उपायुक्त महोदय को अपने अपने इलाके में पूछ के कि कौन कौन से गांवों में ओलावृष्टि हुई है, नुकसान हुई है। हालांकि मेरी विधानसभा में कृषि का क्षेत्र थोड़ा कम है, इतना नहीं है। जो भी होगा, अपने इलाके के लोगों की बात जरूर सरकार तक पहुँचाऊंगा। सर, एक अंतिम सवाल कि बहुत सारे विधायकों द्वारा लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमें बोलने का बहुत कम समय जो है इस पूरे सत्र के अंदर अभी तक की अवधि के अंदर जो है मिला, किस तरीके से आपका क्या कहना है इसमें? देखो, ये हकीकत है कि सारे विधायकों को नहीं, जो फर्स्ट टाइम चुन के आते हैं उनको थोड़ा सा कम समय मिलता है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, बड़ों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और थोड़ा जो हमारे फर्स्ट टाइम चुने हुए साथी हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलिंग अटेंशन लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लगाओ, बिलों की बहसों में चर्चा करो, जिससे कि किसी न किसी मुद्दे पे आपको बातचीत करने का मौका सदन में ज़रूर मिले। क्योंकि ज़्यादातर समय ये हकीकत बात है कि भाई देखो, जो सीनियर विधायक हैं
उनके द्वारा ज़्यादा हो जाता है और हम भी कभी कोई बात लंबी करना चाहते हैं स्पीकर साहब में बिठा देते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं, तो थोड़ा उनको बड़ा दिल और दरिया दिल अपने प्रथम बार दोनों दलों के लिए, सबके लिए कह रहा हूँ मैं, बात खाली कांग्रेस के लिए नहीं है, कि जो प्रथम बार निर्वाचित हुए हैं उनकी तरफ दरिया दिल दिखाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ फरीदाबाद NIT से कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा, जिनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से बहुमंजिला इमारतों के अंदर जो सामग्री जो इस्तेमाल की जा रही है वो उच्च स्तर की सामग्री नहीं है और इसको लेकर सरकार को जो है वो CBI के तर्ज पर जो है इसकी जांच करवानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लगातार जो है आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो विधायक हैं उनको बोलने का समय कम मिल रहा है, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो सीनियर विधायक हैं उनको, जो नए विधायक चुनकर आए हैं उनको समय देना चाहिए बोलने का, ताकि वो भी अपनी बात, अपने हल्के की बात जो है विधानसभा के पटल पर रख सकें। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट।